हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर का हम कैसे यूज कर पाएंगे सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड, ठीक है। इतना लिखने के बाद नीचे आएंगे तो अब यहां इंट मेन लगा रहा हूं मैं, इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। अब यहां पर इंटीजर टाइप हम लेंगे, डेटा का जो टाइप होगा वो इंट होगा, इंट एक कीवर्ड है जिससे हमें ये पता चलता है कि डेटा का टाइप इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अब यहां पे मैं ले रहा हूं ए कॉमा बी, दो वेरिएबल लिया हमने और एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स के नाम से, चूंकि ऐसा प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं जो हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा। अगर कोई यूजर दो वैल्यू एंटर करता है तो उसमें से कौन सी मैक्सिमम है ये बताएगा ये। तो ये हम टर्नरी ऑपरेटर के मदद से करेंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, वो मैसेज देना है जो यूजर स्क्रीन पे देखना चाहता है। एंटर टू नंबर्स फॉर ए एंड बी, कोई दो नंबर एंटर करेगा यूजर ए और बी के लिए, ठीक है। तो अब यहां सेमी कोलन लगाएंगे और ये नंबर जो है यूजर एंटर करेगा, दैट्स व्हाई यहां स्कैनअप लगाता हूं मैं। परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ये एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यूजर एंटर करेगा और यूजर से एंटर करवाने के लिए जो यूजर एंटर करेगा वो कहां जाके स्टोर होगा, ए में और बी में, दैट्स व्हाई यहां पे एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी लिखा मैंने, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखना है वो आपको समझना है। यहां पर लिखना है मैक्स, चूंकि एक वेरिएबल मैक्स भी है इसी में जाके हम स्टोर करवाएंगे वो मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे मैक्स और इसके आगे लिखेंगे हम इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो अब यहां पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज देखिएगा बहुत ध्यान से, तो ए की वैल्यू आए, ठीक है, और ऐसा नहीं होता है तो बी की वैल्यू आए। यही काम है टर्नरी ऑपरेटर का, दोनों में से कोई एक जो बड़ा होगा वो हमें दे देगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए ये प्रोग्राम जब रन होगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। या तो मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, या तो ए बड़ा होगा या तो बी, दोनों में से कोई एक ही बड़ा होगा, तो दोनों में से जो बड़ा होगा वो जाके स्टोर हो जाएगी मैक्सिमम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब इस प्रोग्राम को रन करवाना है तो पहले मैं लिखता हूं प्रिंट एफ और यहां पे करूंगा मैं ग्रेटर नंबर इज परसेंट डी, ठीक है, ये लिखा हमने, कॉमा देंगे और वैल्यू जाके मैक्स में स्टोर होगी, तो ये कर दिया हमने। अब यहां पे हमने दिया कोलन, सेमी कोलन लगाया और यहां पे नीचे रिटर्न जीरो करना है हमें, ठीक है। अगर इंट में लेंगे तो आपको रिटर्न जीरो लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा, आप रिटर्न वन नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, ठीक है, और इस फाइल को करना है सेव, तो सेव फाइल पे जाते हैं और इसको सेव करते हैं। मैं लिखता हूं ग्रेटर डॉट सी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसको करना है यहां से रन, पहले कंपाइल करवाता हूं, कोई एरर नहीं है देख सकते हैं आप। अब इसको रन करवाने की बारी, तो यहां से जाएंगे और यहां से रन करवाएंगे। तो ये कह रहा है एंटर टू नंबर्स फॉर ए एंड बी, तो पहला नंबर एंटर करते हैं थ्री, ठीक है, और दूसरा नंबर मैं एंटर करता हूं 77, तो देखिएगा ग्रेटर नंबर इज 77, यानी कि जो ग्रेटर नंबर है वो बता रहा है। चलिए आइए एक बार और इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। रन करने के लिए कंट्रोल के साथ F10 दबाना है आपको, तो ये दबाया हमने F10, तो ये रन हो गया प्रोग्राम। अब मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, ये लिखा हमने, तो पहला ए का जो वैल्यू है वो है 654, यानी कि 654 मैंने लिखा है, एंटर किया मैंने। अब 890 यानी 890 लिखा हमने, तो ग्रेटर नंबर इज 890, ये अपने आप आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है। दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें निकाल करके ये दे देगा कि कौन सी वैल्यू सही है या कौन सी वैल्यू गलत है, ठीक है, यही टर्नरी ऑपरेटर का काम होता है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।